और संघर्ष समिति निर्णय लेगी, जन आक्रोश सभा रखेंगे और बिजली के बिलों का पूर्ण रूप से बहिष्कार करेंगे ताकि ये कंपनी घाटे में जाए और मजबूर मुझे इस कोटा की धरती से उखाड़ के दम लेगा हिम्मत सिंह। सारे मोहल्ले पैक करती हैं, इनकी औकात नहीं, चाहे आंकड़े लगवाने पड़े। अरे तुम कमाने आए हो ना चमचो, तुम्हें कह रहा है तुम्हारा बाप, सालो आयो कमाने हो ना। अबे तुम घाटे में इतना चले जाओगे पूरा शहर तुम्हारा बिल जमा नहीं करा। स्वागत है आपका मीडिया हाउस राजस्थान में। KEDL भगाओ कोटा बचाओ संघर्ष समिति की तरफ से आगामी 10 अगस्त को कोटा बंद का आह्वान किया गया है। इस संघर्ष समिति के संयोजक हिम्मत सिंह हाड़ा पिछले 10 दिनों के क्रमिक अनशन पे बैठे हैं। कई अलग अलग तरीकों से उन्होंने लोगों को इस अनशन के प्रति जागरूक किया, KEDL की नीतियों के प्रति जागरूक किया। अब कल 10 अगस्त को कोटा बंद का आह्वान है, हम जानते हैं कि कितनी तैयारियां हैं उनकी और कौन उन्हें समर्थन दे रहा है। कल का आपका प्रारूप बताइए कि किस तरीके से आपने इसको सुनियोजित किया है कोटा बंद करने को। पूरे शहर के अंदर हमने लोगों ने 8 बजे का टाइम दिया है, जितने भी पूरे कोटा शहर के अंदर, कोटा ज्यादा बड़ी जगह नहीं है, ये तो बाहर से लोग आते हैं तो कहते हैं कोटा बहुत बड़ी जगह है, हम तो पैदा हुए हैं इस जगह पर। कोटा हमारे लिए बहुत छोटी सी जगह है क्योंकि सैकड़ों लोग हमारे परिवार के कोटा के हर गली मोहल्ले में रहते हैं, जो अच्छाई और बुराई के विनाश के लिए किसी भी परिस्थिति पर जाने को तैयार रहते हैं। आज जो 10 दिन पहले जो ब्रह्मास्त्र चलाया था, ये आज उसका परिणाम है, जिसको तोड़ने की कोशिश करी, रोकने की कोशिश करी, लेकिन इन्होंने सोचा ये छोटा सा धनुष होगा, उन्हें क्या पता है ब्रह्मास्त्र था। क्योंकि यहाँ पर हिम्मत सिंह के साथ हजारों शेर रहते हैं जो पूरे कोटा के हर गली मोहल्ले में रहते हैं। जब आपके भाई ने आह्वान करा कि कोटा बंद होके रहेगा, इसे कोई माई का लाल नहीं रोक सकता, क्योंकि ये जो राक्षस इस कोटा की धरती पर आए हैं, इसका विनाश करने के लिए हमने देवताओं का आह्वान करा है। जो भी इस बंद के विरोध में है वो राक्षस योनि में है, और जितने भी देव योनि में है, सैकड़ों की संख्या में जितने भी कोटा शहर के अंदर प्रमुख चौराहे हैं, हमने सबसे आह्वान कर दिया अपने भाइयों से, टीमें गठित कर अपने अपने क्षेत्रों से निकलो, और जितने भी शेर कल मदमस्त होते निकलेंगे और पूरे शहर में मदमस्त होते हुए घूमते हुए शांतिपूर्ण तरीके से, मैं आपके चैनल के माध्यम से कहना चाहता हूँ, ये कंपनी के अधिकारियों ने बाहर से किराए के कुछ गुंडे बुला रखे हैं, आपके ऊपर हमला करवाएंगे। देखो मेरे ऊपर तो पता नहीं कैसे कर पाएंगे, क्योंकि पूरे शहर के अंदर इस आंदोलन को तोड़ने के लिए, इस आंदोलन की छवि खराब करने के लिए कुछ सिविल ड्रेसों के अंदर रहकर यहाँ अगर किसी को जानबूझ के अफवाह फैला के दुकानें खुल रही है और उसके आग लगा सकते हैं, उसके साथ मारपीट कर सकते हैं, कुछ ऐसी हरकत कर सकते हैं, तो जिम्मेदारी तो आपकी होगी फिर। मैंने तो कभी कहा ही नहीं कि हिंसा करो, हम तो हिंसा के बिल्कुल है ही नहीं उसके पक्ष में। 10 दिन से क्रमिक अनशन करके जो इंसान अपना खून दे रहा है, खून की आहुति दे रहा है, बाल दे रहा है, पानी में जा रहा है, अरे उसके बाद भी इनको इतने दोगले लोग हैं ये कोलकाता के, अरे भैया रवाना हो जा प्यारे, क्यों चक्कर में पड़ा है। वैसे तो इन राक्षसों को के हाहाकार मच गया, ये इतना त्रहिमाम करते हुए भाग रहे हैं। आपके पास फोन वगैरह भी आ रहे हैं उन कंपनी मालिकों के साथ? मैं तो सिर्फ एक ही चीज कहता हूँ, हेलो, आवाज नहीं आ रही और फोन काट देता हूँ। ऐसा क्यों कहते हैं आप? आपने बात क्यों करने की कोशिश नहीं करी? क्योंकि वो मुझसे कहते हैं कि हमने कोटा शहर के सभी जनप्रतिनिधियों को संतुष्ट किया है, हम आपको संतुष्ट करना चाहते हैं, सिर्फ थोड़ा समय दीजिए। आपके भाई ने एक ही बात कही थी, मैं व्यस्त हूँ उन लोगों में जिनको तुमने खून के घूंट आंसू रुलाया है, मैं व्यस्त उनके आंसू पहुंचने में, तुझे इस कोटा की धरती से उखाड़ के दम लेगा हिम्मत सिंह। और ये तो उस ब्रह्मास्त्र का असर है, सारी राक्षसी शक्तियों ने हमें रोकने का प्रयास करा, कोई इस कान में बोलता था बंद नहीं होगा, कैसे होगा, अरे हिम्मत सिंह का आह्वान है, हिम्मत सिंह का जो साथ देगा उसका साथ दिया जाएगा कोटा शहर में, और जो नहीं देगा उखाड़ के रख दूंगा, उखाड़ के, ये चेतावनी है मेरी। अच्छा,
आपने कहा था 10 तारीख के बाद कोटा में या तो केईडीएल रहेगा या हिम्मत सिंह रहेगा, आपको क्या लगता है कल मतलब 11 तारीख को कोटा में कौन रहेगा? पूरे कोटा शहर के अंदर अब तक तो आपका भाई हिम्मत सिंह इस केडीएल कंपनी के बाहर तंबू लगाकर इसके बम्बू कर बैठा था। अब आपका भाई यहाँ से निकल सकता है? मुझे शहर की पूरी आवाम जनता मुझे वहां पर बुला रही है, क्योंकि जो गरीब मजदूर जिसको आज 100 रुपए कमाने का नहीं है वो भूखा मर रहा है और आवाज लगा रहा है अपने भाई को हिम्मत सिंह को कि हमारे मोहल्ले में आओ, हमारे इलाकों में आओ। आपके भाई ने पूरी रूपरेखा बना रखी है, सारे मोहल्ले पैक कर दिए हैं, इनकी औकात नहीं चाहे आंकड़े लगवाने पड़े। अरे तुम कमाने आए हो ना चमचो, तो मैं कह रहा तुम्हारा बाप सालों आयो कमाने हो ना, अबे तुम घाटे में इतना चले जाओगे पूरा शहर तुम्हारा बिल जमा नहीं कराएगा। और तुम कहा अबे कितना लगाओगे, क्या क्या लगाओगे? इतने आंकड़े डलवाऊंगा, पूरा शहर तैयार है, सबको रोक रखा था 10 तक, और अब बस बहुत अति कर ली तूने, कोलकाता भाग यहाँ से। तेज दे कहते तेरे बाप से, तेरे बाप ने कहा था 10 दिन के लिए चेतावनी दी थी, और तू तेरी जितनी औकात उतनी लगा लेना और खरीद ले इन कुत्तों को जिनको भी खरीदना है। मैंने पहले भी कहा था अगर यहाँ के जनप्रतिनिधि इसके पक्ष में आते हैं तो यह आंदोलन किसी कांग्रेस का नहीं है, किसी भाजपा का नहीं है। जितने भी लोग उठ उठ के पढ़ रहे हैं ये तो उस ब्रह्मास्त्र का असर है कि जब हिम्मत सिंह अपने वचनों पे अटल रहा तो सारे कूद पड़े। हमने चेतावनी दी थी जो साथ देगा उसी का साथ देगा हिम्मत सिंह, और हिम्मत सिंह उसी का साथ देता है जो अच्छे काम करता है और बुराई को तो जड़ से उखाड़ने का दम रखता है। 10 को बंद होगा कोटा, 10 को बंद होगा। बात तो 11 पे अटक रही है, आपने कहा था कि कोटा में या तो केईडीएल रहेगा या हिम्मत सिंह, तो 11 तारीख से आपका क्या प्रारूप है? क्योंकि आप कोटा नहीं छोड़ेंगे, आपका शहर है, आपके लोग यहाँ पे आपके साथ हैं, केईडीएल का 20 साल का कॉन्ट्रैक्ट है सरकार के साथ, तो फिर आपका प्रारूप क्या होगा? आप लोगों के पास जाएंगे, लोग यहाँ आएंगे, उसके बारे में जानना चाहेंगे। अब यहाँ नहीं आना, ये कंपनी यहाँ पर पैसा कमाने के लिए आई है, तो जब पैसा जनरेट ही नहीं कर पाएंगे, इनके मीटर नहीं लग पाएंगे, इनके तारों के कनेक्शन निकल जाएंगे, पूरे शहर में अवैध कनेक्शन डल जाएंगे, फिर इसका क्या बाप कमाई नहीं कर पाएगा तो कहाँ पर जाएगा? कोलकाता जाएगा। अरे पैसा कमाने आया ये, गवाने नहीं, क्योंकि इन्होंने कईयों की जेबें भरी थी, इन्होंने सोचा था इस शहर के अंदर कुत्ते रहते हैं, लेकिन जब शेर निकल कर आए अब उसकी गूंज इनके कानों तक है और इनको पता नहीं क्या क्या निकल रही है जो मैं बोल नहीं सकता। 11 तारीख से कोई बिल जमा नहीं करेगा, मतलब आपके कहने का? हमारे तरफ से तो पूरा आह्वान है, और आज अब आपका 11 तारीख से आपका भाई पूरे शहर में जनसंपर्क करेगा, शहर की जनता, शहर के व्यापारी, शहर के स्थानीय निवासी आपके भाई को बुला रहे हैं कि भैया आप एक एक बार आइए और आप जो आपने कहा था वो कर जाइए, और उसके बाद तो फिर हम हैं और ये कंपनी होगी। अरे जब कोई बिल ही नहीं देगा तो फिर कंपनी कैसे होगी? आई तो कमाने है ना, घाटे में चली जाएगी तो कहाँ जाएगी? कोलकाता जाएगी। बहुत सारे लोग कह रहे हैं कि हिम्मत सिंह अब बड़ा नेता बन गया केईडीएल पेंशन करके, इस पे क्या कहेंगे आप? देखिए हिम्मत सिंह को लोग पहले खून से जानते थे, खूब उन्हें कॉपी पेस्ट मारा है, और उसके बाद में सब खून, आज जिसको भी एमएलए मंत्री बनना है वो ब्लड कैंप लगाता है। मेरा ठेका पूरा हो चुका, ईश्वर ने कहा है अच्छाइयों को फैलाओ, और क्या कर रहा हूँ। जब गौ सेवा करने लगा तो पहले लोगों ने पागल कहा, फिर कहा ऐसे ही राजनीति कर रहा है, और जब देखा ये तो मजाक नहीं, जो लोग मजाक बनाते थे वो कहते थे हिम्मत सिंह आ जाएगा गोबर पहले उठा लो, वो लोग भी गाय की बात करने लग गए जो मजाक करा करते थे। ये मेरी हिम्मत नहीं है, ये ईश्वर का आशीर्वाद है कि हिम्मत सिंह को उन्होंने यहाँ भेजा है। मैंने किसी को ज्ञापन नहीं दिया, किसी से प्रार्थना नहीं करी, मैंने दाड़ देवी मैया को मनाया, यहाँ गणेश जी को मनाकर बालाजी को मनाया, ये समझ कर आया कोटा छोटा बालाजी दो इसके गोटा। अरे जो बालाजी को मानने वाले हैं, जो चंबल मैया को मानने वाले हैं, हमने चंबल मैया की शरण में जाकर उनसे प्रार्थना करी है। यहाँ पर मुस्लिम समाज के लोगों ने अल्लाह को मनाया, और उसके बाद में एक माँ को भूल गया था, ये बेटा माँ को भूल गया था, और जैसे हाथ बढ़ाया सैकड़ों भाई बहनों ने अपने हाथ आगे कर करके खूनों की आहुति देकर रक्त चंडिका महायज्ञ कर इन राक्षसों का संहार करने के लिए हमने माँ का आह्वान करा। हमने किसी दोगले के दरवाजे पे जाकर उससे ये नहीं कहा ये प्रेम पत्र ले और हिम्मत सिंह को कोई ठेका दे, ये प्रेम पत्र ले और हिम्मत सिंह से बात कर। अरे हिम्मत सिंह ने तो नंबर तक नहीं दिया, मैंने कह दिया रॉन्ग नंबर डायल कर दिया तूने भाई, रॉन्ग नंबर। हर कोई ये जानना चाहता है कि कल 10 अगस्त को सुबह से लेकर शाम तक हिम्मत सिंह कहाँ रहेंगे,
वो शहर में लोगों के अलग अलग टोलियों के साथ घूमेंगे या फिर केईडीएल के सामने यहीं बैठे रहेंगे? आपका क्या प्लान रहेगा कल का? आप घूमेंगे शहर में, यहीं रहेंगे? मैं आपको बताना चाहता हूँ, नजर एक ऐसी चीज है जिसको देख ले वो पत्थर को तोड़ देती है। हम लोग यहाँ पर बैठ के सामने क्या करते हैं, सब लोग सामने देख के क्या करते हैं, एक बार सब आ जाओ और एक बार इसको घूरो वापस। हम लोग प्रतिदिन यहाँ बैठते हैं और सबसे कह रखा है मैंने शहर के अंदर, जब तक मत हंसना जब तक ये कंपनी यहाँ से नहीं चली जाए, क्योंकि मेरी शहर की जनता रो रही है। हमने अपनी हंसी त्याग दी है, ये संकल्प है मेरा, हंसना छोड़ दिया है मैंने, हंसना छोड़ दिया है। और लोगों से कह रहा हूँ, ये जनता मर रही है, उसका दुख को महसूस करो, और जो तुम्हारा दुश्मन है उस दुश्मन को महसूस करो। और एक बार मैं खड़ूंगा, सब इधर सामने आ जाओ। और क्या करते हम सवेरे हर दिन आकर क्या करते हैं, इसे घूरिए एक बार आंखों से और घूर कर इसको बद्दुआ दीजिए, और इसको बद्दुआ में वही दीजिए जो हम हर दिन देते हैं, कि इसको साथ देने वाले की पुश्तों को भी मैं क्या बुरा बोलूं, ऊपर वाला उनके भी संभाले परिवार हैं, लेकिन इनको घूरिए आंखों से घूरिए। हम प्रतिदिन यहाँ पर आते हैं, अरे बद्दुआ में तो वो चीज़ है जो पत्थर को तोड़ देती है। हम प्रतिदिन हजारों लोग यहाँ आकर इसे कहते हैं, इसे इतनी बद्दुआ दीजिए कोलकाता, क्या ये घर का नहर घर का रहे ना घाट का रहे, ये कहीं का नहर है, इतने घाटे में चला जाए कि इसके बाप की भी ऐसी की तैसी। आपने कहा था आपकी जान को खतरा है, तो आपको लगता है आज रात कंपनी के कोई एम्प्लॉई या कंपनी के कुछ गुंडे, आपने कहा कोटा में है, वो आप पे हमला कर सकते हैं क्योंकि कल का आंदोलन असफल हो जाए? कम से कम 20 सैकड़ों ऐसे भाई जो मेरे वो मजबूत पिल्लर हैं कि खुला सांड भी आ जाए अगर ऊपर से, तो उसको हाथ से उठाकर बाहर फेंकने का दम रखते हैं। अब ये तो फिर देखने की बात है, उनको जो उनका काम करना है वो कर ले। हिम्मत सिंह है, हिम्मत रख के चलता है, किसी के पाप से नहीं डरता। इस कंपनी को उखाड़ने का संकल्प लिया है और उखाड़ के रहेंगे, तब तक नहीं रुकेंगे जब तक ये कंपनी नहीं जाती। अब हिम्मत सिंह आज़ाद है, ये तंबू लगा था 10 दिन के लिए, बम्बू हुआ था। अब मैं पूरे शहर के अंदर घूमूंगा, अपने सारे भाई जो 10 तारीख तक रुके थे वो 10 तक का इंतजार था, अब बस अति हो चुकी है, अब इस राक्षस ने अति कर चुके हैं। हो जाएंगे आप, लॉ एंड ऑर्डर हाथ में लेंगे? नहीं नहीं नहीं, कैसे लेंगे, ये देश हमारा है, कानून व्यवस्था हमारी है, इसके अंदर मैंने कहा आपको कुछ असामाजिक तत्व ऐसी कुछ हरकतें करेंगे जिससे वो हमें बदनाम करने की कोशिश करें। अब मैं कुछ नहीं कहूँगा, अब मैं मौन रहूँगा, अब तो जो भी करेगी वो शहर की जनता करेगी, जिसको हमने 10 तारीख का रोक रखा था। जैसा कि आपने देखा कि हिम्मत सिंह हाड़ा का कहना है कि कल 10 तारीख जो इनका अल्टीमेटम था केईडीएल के प्रति वो खत्म हो जाएगा, परसों से जनता सड़कों में आ जाएगी, तो इसकी जिम्मेदारी हिम्मत सिंह की नहीं है। कोटा शहर की जनता आह्वान कर रही है, हिम्मत सिंह को अपनी गली मोहल्लों में बुला रही है, केईडीएल के प्रति उनकी जो समस्याएं हैं वो इनको बताना चाहती है। इनका कहना है कि ये जो टेंट है, ये बम्बू है, इन्होंने इनको 10 तारीख तक रोक रखा था, कल से हिम्मत सिंह फ्री है, लोगों के बीच जाकर ये संपर्क करेंगे, उनसे जानेंगे। और इनका कहना है कि अब कोटा का कोई भी शख्स 10 तारीख के बाद बिल नहीं देगा, हालांकि कल कोटा बंद का आह्वान है, देखते हैं ये कितना सफल होता है। धन्यवाद। हमारा पूर्ण रूप से शुरू से ही आंदोलन में पूर्ण समर्थन है, कल हम लोग कोटा बंद कराएंगे, उसके बाद जल्दी करनी सेना और संघर्ष समिति निर्णय लेगी, जन आक्रोश सभा रखेंगे और बिजली के बिलों का पूर्ण रूप से बहिष्कार करेंगे, ताकि ये कंपनी घाटे में जाए और मजबूरन इसको कोटा छोड़कर जाना पड़े। मैं रविंदर सिंह राणा सिंटू, प्रदेश सचिव श्री राष्ट्रीय राजपूत।